इस ड्रेस में क्या है भैया, 400 में भी नहीं दे रहे। इस भैया की दुकान में कोई भी मत आना दोस्तों, देख लो अच्छा से। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी और पुच की। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं अभी फिलहाल सोच रही हूँ रोटी बनाऊंगी, तो रोटी बेलने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों मैंने इधर एक पैकेट आटा ले लिया। एक पैकेट आटा पर मैंने चीनी और नमक देकर अच्छे से इसको पहले सूखे में ही मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा पानी देने के बाद मिक्स करूँगी और तो पानी दे देती हूँ दोस्तों। तो थोड़ा पानी देने के बाद देखो ऐसा हो गया। अभी मैं पूरा पानी देकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों देखो मेरा पानी देने के मिक्स करने के बाद ऐसा हो गया। वैसे ना मेरे को रोटी बेलना आता ही नहीं है, लेकिन जितना आता है वही कर रही हूँ क्योंकि खाने का भी मन हो रहा है। तो अच्छे से बेल लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा तेल दे दूँगी, जो लाल तेल होता है ना खाने वाला, सब्जी खाने वाला, वो तेल देने के बाद ऐसा हो गया। देखो अभी मैं रोटी बेलती हूँ। तो दोस्तों देखो मेरा इधर रोटी बेलना हो गया है। मैंने सिर्फ 3 और 4 मतलब 7 रोटी बेले क्योंकि अभी बाकी है। तो ये 7 पहले मैं बूनू और बड़े पापा को बनाकर देती हूँ, वो लोग खा लेंगे। सोच रही हूँ घी से बनाऊंगी, तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों मैं इधर घी निकाल रही थी और इतना सारा निकल गया ना, मेरे को पता नहीं था कि मतलब ये ऐसा बन जाएगा। फिर मैंने रोटी को दे दिया, पर इतना मस्त लगा खाने में, गरम गरम खाने में। तो दोस्तों मेरा पहला रोटी बन गया। तो दोस्तों मैं रोटी बनाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस तो मेरा काम करना खत्म हो गया था, अभी मैं रेडी होकर आ गई हूँ। हम लोग जाने वाले फिर से बीरपारा। तो चलिए देखते रहिए आज क्या क्या लेते हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो आज फिर से हम लोग जाने वाले मधु में और माया, तीनों जाएंगे एक साथ। टिंग टिंग हम लोग निकल गए। ये देखो इधर पीछे स्टाइलिश। तो हम लोग, मैं इसके घर आई थी रेडी होकर उसको ले जाने। अभी हम लोग क्लब तक चल के जा रहे हैं टोटो पर, उसके पापा की टोटो उधर है, तो उधर जाके मिलती हूँ आप लोगों से। दोस्तों अभी हम लोग टोटो पर आ गए हैं, टोटो से हम लोग नोएमाल तक जाएंगे। उसके बाद दूसरी गाड़ी मतलब जो लोकल गाड़ी होते हैं उधर चढ़ के जाएंगे। और मधु इधर बोल रही है मेरे को मतलब काला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं तो अपना थपरा दिखाऊंगी आप लोगों को, मास्क पहना है मैंने इसलिए। और इधर हम लोग गाड़ी पर आ गए हैं देखो दोस्तों। और तो जब हम लोग गाड़ी पर थे, सामने बैठे थे, तो देखो गाड़ी के सामने ट्रक थे, ट्रक पर लिखा हुआ था पुकारो, में पुकार रही हूँ ओ भैया ओ भैया ओ भैया पुकार रही हूँ, लेकिन गाड़ी भाग रहा है। देखो 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 ओ भैया जी रुकिए ना, थोड़ा रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों भाग रहे हो भैया जी, चला ही गया। फिर दोस्तों हम लोग मार्केट पे एंट्री मारा, सब दुकान पर हम लोग चेकआउट कर रहे हैं बाहर से, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्यों। फिर इधर एक दुकान पर आकर देखो मैं अपने थोपरा देख रही हूँ। भाई हाय बोल दो मेरे ब्लॉग पर। तो इधर हम लोग जींस को स्क्रेच करवाएंगे, तो इसलिए माफ ले रही है। देखो बोलना, इधर आके चुपके से बोलो 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 बोलो, दुकान पे रहूंगी। क्या बोला तूने? दोस्तों माया बोल रही है कि अगर दुकान में रखेगा तो मैं दुकान पर रह जाऊंगी, बहुत सारा कपड़ा पहनने को मिलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों आप लोगों ने पहले देखा होगा, मैं बोल रही हूँ इस भैया की दुकान में कोई भी बताना। वैसे दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, मतलब झगड़े जैसे हो गया था, लेकिन भैया लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों, भैया लोग के दुकान पर जरूर जाना। और इधर और एक भैया देखो कैसे पहन के दिखा रही है हम लोगों को चश्मा और ये जैकेट। तो दोस्तों देखो हमारा ऑलरेडी इधर लाइटिंग लगा दिया है भाई ने दिवाली के लिए। किसने लगाया, किसने किसने मिलकर लगाया बोलो, तुमने अकेला क्या? भाई ने अकेला इधर लगा दिया, सिर्फ एक ही लगाया क्योंकि हमारे पास ज्यादा नहीं है, गरीब इंसान है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, इधर आधा नहीं है। देखो सिर्फ दिवाली के लिए ही, जस्ट ऐसे ही क्या कर सकते, नहीं है तो जो है उतने में ही करना पड़ेगा ना, तो इधर लगा दिया। मैं घर पहुँच कर दिखा, तो अभी ये देखो किधर नाश्ते नाश्ते जा रहे, इतने रात को किधर जा रहे हो? तो दोस्तों अभी मैं मुंह धोने वाली हूँ क्योंकि इतने दूर से आई हूँ, गाड़ी चढ़कर धूला वाली ऐसे चीच चीच कर रही है मेरा मुंह। तो चलिए मुंह धोने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों मैं मुंह वो धो के और अभी खाना बना रही हूँ डिनर के लिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ चावल है। तब सुबह बनाया था वो चावल ही अभी भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आलू और दामबूटी की भाजा कर दूँ क्योंकि मैं तो खाना नहीं खा पाऊंगी अभी, तो फिलहाल नहीं खा पाऊंगी, थोड़ी देर बाद खा सकती हूँ, मतलब ऐसे जब रात हो जाएगा भूख लगेगा तो खा लूंगी, अभी तो नहीं खाने वाली मैं क्योंकि
मोमो खाया था और चाट खाया था, पेट फुल है। दो कटोरी सूप पिया, मैंने क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, मांग मांग के सूप पिया हम लोग की, दे दो और दे दो और दे दो। मोमो के साथ हमारे तो सूप फ्री मिलता है तो इतना मस्त लगा था सूप पीने में, क्या बोलूँ। तो मैं थोड़ी देर बाद काकी लोग के घर जाऊँगी, क्योंकि गोमके के लिए ना मैंने एक टॉप लाया हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसा हुआ है, बताना आप लोग जरूर कमेंट पे, और गोमका का रिएक्शन भी देखते हैं। ओके तो दोस्तों मैं पहले सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि पापा थोड़ी देर बाद खाना खाएगा ना, रात भी हो गया 8 बज गया है, तो डिनर तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा जी क्या हो रहा है, फिर से नाक से खून निकल रहा है। एक्चुअली कुछ दिन से मतलब गाड़ी पर इधर उधर जाना हो रहा है, धूला वाली रख रहा है, तो जुकाम ज़्यादा हो रहा है, तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। तो नाक में खिचखिच करता है, नाक को ठीक करने से नाक से खून निकल जाता है, क्या ही बोलूँ मैं, आप याद हो रहा है मेरे को। दोस्तों मेरे लिए प्लीज़ भगवान से प्रे करो कि इतना जल्दी तो ना टपकूँ मैं, मेरे को लाइफ जीना है, अपनी लाइफ सक्सेस करना है, मतलब बहुत सारे सपने जो मेरे को पूरा करना है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। इतना जल्दी तो मरना नहीं चाहती मैं दोस्तों, मेरे को बहुत इंजॉय करना है अपनी लाइफ, इतना ड्रीम्स है, सब कुछ पूरा करना है मेरे को। प्लीज़ दोस्तों भगवान से प्रे करो कि मेरे को जल्दी जल्दी से ठीक कर दे, मेरे को ऐसा ना करे, नाक से खून ना निकलाए मेरा, क्या करूँ मैं। है गैस, तो मैं अभी काकी लोग के घर पर जा रही हूँ, इसको ऐसे पकड़ रही हूँ। गोमका का ड्रेस टॉप इधर है, तो चलिए इसको जाकर दिखाती हूँ। फिलहाल शायद वो अभी अपने घर पर है, काकी घर में थोड़ी देर बाद आएगा, तो चलिए चलते हैं। है गैस, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं आंटी के घर जा रही थी, आंटी के घर जाकर गोमका को उसका टॉप दे दिया, और आंटी भी उसके लिए आज टॉप लाया, तो क्या हो गया एक्चुअली सेम कलर हो गया। मेरे उस गोमका के लिए ग्रीन ग्रीन टाइप, थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन जो पैरट ग्रीन होता है वो वाला कलर टॉप लाया था, तो आंटी भी सेम उसी में दूसरे टॉप लाया, तो सेम कलर हो गया। तो आंटी बोल रही कि कल जाकर एक्सचेंज कर लेना गोमका को, ऐसे बोल रहे थे, तो मैं उसको दे दिया। वीडियो करना भूल गई थी जब मैंने उसको दिया, वो खुश थी। और घर आकर मैंने खाना भी खा लिया, तो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, सुबह जो कुछ नहीं खाया था मैंने, सिर्फ उधर जब गए थे तो मोमो और चाट वगैरह खाया था, तो मैंने सोचा था खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन रहा नहीं जा रहा था फिर से, तो मैंने खाना खा लिया। तो अभी वीडियो को एंड करना है, एडिट भी करना है, ये वीडियो तो आप लोगों के पास कल जाएगा ना, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं इस ब्लॉग पर, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस ब्लॉग पर।